हेलो मेरे दोस्त, तो आज सबसे अलग कटिंग लेके आए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। अगर सीखना चाहते हैं आप लोग या इस तरीके का कटिंग कटवाना चाहते हैं तो आप लोग देखना ज़रूरी है। इस कटिंग में हम 0 नंबर प्रयोग करेंगे, जो कि पूरे 0 नहीं होगा, थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा बाल रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे, पहले 0 जो कि पहले लाइनिंग कर लेंगे मशीन के द्वारा। तो इस तरीके से आप पहले लाइनिंग कर लेंगे चारों साइड का। अगर आप लोग कहीं भी दिक्कत लगे सीखने में या समझने में परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखेंगे तब भी आप लोग समझ पाएंगे किस तरीके से हम मिलाते हैं। ये तो 0 हो गया आपको, इस यहाँ से हमको कैसे मिलाना है बाल को। तो आप लोग वीडियो जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे, और वीडियो अगर आप लोग स्किप करते हैं तो फिर आप लोगों को कोई ना कोई स्टेप छूट जाता है जो कि आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीक़े से पहले हम 0 कर लेंगे, पहले कटिंग कर लाइनिंग दे देंगे जे इसके अंदर ही काटना है बाल। और इसका जो अगर बाल छोटा हुआ है तो इसको आप सही तरीक़े से साफ कर दें मशीन के द्वारा, जो कि पूरे हम 0 नहीं किए हैं, थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। तो आप इस तरीके से सेम उसी तरीक़े से इधर भी करना है आपको लाइनिंग, और उसके बाद आपको नीचे जो बाल है उसको हटा साफ कर देना है मशीन द्वारा। तो वीडियो स्किप कहीं भी मत करें आप लोग। और यहाँ पर हम सबसे आसान तरीका बताएंगे कि बाल को कैसे स्लोप करना है, और यहाँ पे जो कटिंग करेंगे स्लोप करने के बाद भी यहाँ पे नहीं मिल पाता है, जो कि हम मशीन द्वारा ही बताएंगे आपको। उसके बाद हर एक स्टेप आप लोग को साथ में बताते चलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप लोग कोई भी कटिंग चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं आप, हम निश्चित 1-2 दिन के अंदर डाल देंगे वीडियो आप लोग का। तो कमेंट करना मत भूलिएगा आप लोग खास करके। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले साफ कर लिए हैं, और इसके बाद इस कटिंग में हम लाइनिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, लाइनिंग देना ही नहीं है कि पहले हम इस कटिंग में दे चुके थे लाइनिंग, मगर इस बार नहीं देना है हमको। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर खास करके आप लोग ध्यान देंगे स्लोप करते समय कोई लड़का कमेंट किया था जो कि कंघी पकड़ना नहीं आता, आप लोग खास कर देख ले, कंघी में कुछ खास नहीं है, और इस तरीके से कंघी घुमाना है ऊपर की ओर। खास करके आप ध्यान दें, जो बंदा कमेंट करते हैं हमसे ये नहीं हो पाता है, यहाँ पे खास करके ध्यान दें, जैसे कि देखिए अब छूट गया कंघी। तो आप लोग काम पर ध्यान देंगे तो बेस्ट रहेगा सीखने के लिए और समझने के लिए। स्किप करेंगे तो कहाँ समझेंगे आप लोग, इसलिए आप लोग स्किप करना बंद करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। ये तो हम स्लोप किए हैं, उसके बाद जो देख रहे हैं नहीं मिल पाया है तो हम बताएंगे आपको, पहले स्लोप कर लें। स्किप मत करें आप लोग कहीं भी, भले 2 मिनट देखें, पूरे वीडियो देखें 2 मिनट तक ही, जो छूट चुका है देख रहे हैं, जो नहीं मिला है इसको हम फिर से मशीन से मिलाएंगे। उससे पहले हम ये इसको कटिंग कर लेते हैं, स्लोप कर लेते हैं, और दूसरे साइड भी सेम कटिंग करना है आपको, ताकि बाल ऊपर का जो है पूरे खड़ा होना चाहिए। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, बार बार हम यही बता रहे हैं वीडियो पूरा देखें, आप लोग बुरा भी लगता होगा मगर हम अपने लिए नहीं बता रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं। सेम साइड भी लाइनिंग नहीं देना है आपको, स्लोप कटिंग करना है जैसे उस साइड किए हैं कैंची से, या मशीन द्वारा भी कर सकते हैं जो कि हम दूसरे वीडियो में डाल चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ पे और इस तरीका से करें। देख लिए स्लोप आपको हो चुका है, जो नहीं मिला उसको हम फिर मशीन से बताएंगे कितना स्लोप बताए हैं आपको। और यहाँ पे आप लोग नहीं सीख पाए होंगे तो फिर कभी नहीं सीखेंगे, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, और कौन सी कटिंग आप लोगों को नेक्स्ट बार चाहिए वो भी ज़रूर बताना आप लोग।
अभी तत्काल में बर्ज कट चल रहा है जो कि अभी ट्रेंडिंग है कटिंग, तो हम हो सके तो जल्द ही वो डालेंगे। यहाँ तक देख लिए हैं आप, स्लोप कर दिए हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको कैसे मशीन से मिलना, जो भी छूट चुका है देख रहे हैं या नहीं मिला है, इसको मशीन से कैसे मिलाना है आपको। यहाँ पर देख लें, खास कर दांत थोड़ा सा पीछे कर देंगे बैक, उसके बाद आप लोग देख लें इस तरीक़ा से ऊपर क्यों चलाना है मशीन को। यहाँ पर आप लोग देख लें ध्यान से, एकदम स्लो बता रहे हैं, इतना स्लो कोई नहीं बताएगा, काम सिखाएगा खास करके आप लोगों को ऑनलाइन में। कोई फी भी नहीं है, आप लोग वीडियो पूरा देखें, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर एक कटिंग, हर एक तरह की कटिंग आप लोगों को मिले सीखने को और देखने को। कितना आसान तरीके से मिला रहे हैं और कितना स्लो बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आप लोग नहीं सीख पाएंगे स्लो करना, तो आप लोग कहीं भी नहीं सीख पाएंगे। और ख़ास करके ये पूरे जीरो नहीं है, माने तो 0.23 करीब होगा, 5 भी नहीं है। तो आप लोग वीडियो खास कर पूरे देखें ताकि समझें, सीखें और अच्छा काम करें आप लोग। देख रहे हैं मिल रहा है बल, आप लोग जिस तरीक़े से चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उस तरीक़े से मिला देंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर करना है मशीन को, मगर काम पे आप लोग ध्यान देंगे तो सीखेंगे ही आप लोग। खास कर काम पे ध्यान रखें, फोकस करें, अच्छा रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे लाइनिंग तो देना नहीं है, तो यहाँ पे एक कोना बनाना है, तो आप लोग पहले मिला लें, इसके बाद हम बताते हैं आपको हर एक स्टेप। जब फाइनल कटिंग देखेंगे तो आप लोग बोलेंगे हाँ कटिंग है, कितना बेहतरीन कटिंग कटा है। वीडियो कहीं भी स्किप मत करें और देखें, सीखें, और कुछ सीख मिला हो तो प्लीज़ कमेंट कर बताना। और यहाँ पे खास कर देख लें, और राउंडिंग नाम का ही लेना है, थोड़ा सा ही राउंडिंग करना है ताकि बाद में बाल निकले नहीं और भद्दा नहीं लगे। देख लें यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम अस्तूरा डायरेक्ट चलाएँगे दोनों साइड से, पहले ये राउंडिंग गोलाई कर लेंगे। एकदम हल्का सा लेना है जो कि पतला बाल है, उसके बाद आप यहाँ पे एक कोना बनाना है आपको ताकि बाल जब ऊपर की ओर हो तो अच्छा लगे देखने में। इस तरीका सब कर सकते हैं, और दोनों तरीका है, जो कि ये तरीका जो बताएं दूसरी बार वो अच्छा तरीका था। यहाँ आप गोला इस तरीका से कर लेंगे, और राउंडिंग में एकदम नाम का थोड़ा सा ही लेना है ताकि बाद में निकले नहीं, भद्दा नहीं लगे देखने में। इसी को ध्यान रखेंगे, एकदम हल्का सा लेना है जब 0.2 या 3 करते हैं तो, और 0 करते हैं तो खास करके उसमें अस्तूरा कोई काम ही नहीं है। दोनों साइड से सेम करना है, कोन बनाना है आपको। अब ऊपर के बाल को हमको क्या करना है, कैसे मिलाना है, हम आपको ये बताएंगे। इनको बाल ज़्यादा कुछ छोटा नहीं करना है, और मिला तो देना है कम से कम, तो मिलाएंगे कैसे और बराबर वो हम बताएंगे। अगर आप कटिंग करना सीख चाहते हैं ऊपर का बाल को, तो आप लोग दूसरा वीडियो मेरा देख सकते हैं चैनल में जाके। तो यहाँ पर देख लें, बाल छोटा नहीं करना है, यहाँ पर देख लें एकदम बाल को स्ट्रेट में एकदम सीधा हम काटना है आपको इस तरीका से, और इसी स्टेप में आपको पीछे तक ले जाना है बाल को कटिंग करते हुए। और जब हम दूसरी बाल काटेंगे, दूसरी लेंथ जो हम पहले काट चुके हैं उसके बराबर में इक्वल करते हुए जाएंगे, यहाँ से देख लो जो काट चुके हैं उसके बराबर में करना है आपको। इस तरीक़े से आप बाल को जितना भी छोटा करना है इसी तरीक़े से करना है आपको। देख लो पूरे बराबर एकदम होते हुए जा रहा है, इसी तरीक़े से चारों साइड का जो है बराबर काटना है आपको। खास करके पीछे पे, पीछे का जो कटिंग है उस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बाल कटिंग होने के बाद जब बाल ऊपर की ओर काटता है तो बाल पीछे लटक आ जाता है, तो लटकना नहीं चाहिए बाल पीछे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, और कटिंग
वीडियो कभी भी मेरा वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोग सीखें समझें। यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेट पूरे सीधा ही होना चाहिए, पूरे बाल देख लें इस तरीका से। बाल इनका सही है, फिर भी आपका काम है मिला देना, अपने तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ना है गलती। और आप फाइनल कटिंग देख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले बराबर, और बेल आइकन साथ में प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को उससे वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा और आप लोग सीखेंगे देखेंगे उससे कटिंग करवा सकते हैं। और देख ले फाइनल कटिंग कैसा लगा बताएँ। और ऊपर भी बाल आप लोग खासकर देख लें, एक भी बाल आपको ऊपर नीचे नहीं होगा, पूरे बराबर होगा बाल। दोनों साइड देख लिए सेम कटिंग है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिले देखने को।